Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Manik Academy. So, आज के लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे जो हमने लेफ्ट टॉपिक्स छोड़े हैं, ठीक है? So, मैं एक बार सिलेबस बोल देती हूँ. नंदिनी ने जैसे कि अभी अभी वो टेंस्ट हो रही थी कि मैम वो वाले टॉपिक्स जो अभी प्लस में नहीं हुए हैं वो करवा दो. सो आई होप इससे शी विल बी फाइन. सो आज हम क्या करेंगे गाइज, बेसिकली We'll be doing ये. काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऑप्शंस क्या है, कॉल क्या है, ये पता किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ अवर हेजिंग टेक्निक्स. सो लिख लीजिए, हेजिंग टेक्निक्स है. इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट में GDR, ADR ये बचा हुआ है, ये भी हम करेंगे आज की क्लास में. इंटरनेशनल आर्बिट्रेज भी करेंगे, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग भी करेंगे. सो जो जो चीजें रह गई हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. So let's get started without wasting any time. So first हमारे पास जो word है that is options. Options क्या होते हैं? देखो, ध्यान से समझना अभी से. Option जो हमारा share market होती है ना, exchange forex market के अंदर, मतलब आपके पास दो options होते हैं, buy करने का, BUY मतलब खरीदने का, और sell करने का. Buy को हम कहते हैं call, और paper में इसी से question आया था. उन्होंने पता क्या किया था, पुट को बता दिया बाय और कॉल को बता दिया सेल, लेकिन होता उल्टा है. तो सबसे पहले तो ये वर्डिंग याद रखो, कॉल को हम कहते हैं बाय, पुट को हम कहते हैं सेल. मतलब आपके पास कंडीशन रख दी जाती है कि 3 महीने के बाद आपको आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो. मतलब अपना कॉल वाला ऑप्शन ले सकते हो या पुट वाला ऑप्शन ले सकते हो, बट कोई कंपल्शन नहीं है. इट मींस अगर आपको लगे 3 महीने के बाद आपको खरीदने पर, कॉल करने पर, दैट इज बाय करने पर बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप इसको नहीं बाय करेंगे, यू विल नॉट बाय. सिंपल. पुट करने पर मतलब सेल करने पर आपको लग रहा नहीं यार ये तो मेरे को बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, तो आप सेल नहीं करेंगे. So, अगर कोई बंदा मुकर जा सकता है तो इसका फायदा क्या हुआ? ये तो बंदा फायदा उठाएंगे, कॉल वाले और पुट वाले. लेकिन ऐसा नहीं है, वो फायदा क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि जो सेबी होती है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो पहले ही कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम चार्ज कर लेती है. क्या चार्ज कर लेती है? प्रीमियम. इस प्रीमियम के चार्ज करने का मतलब ये है, ठीक है, ये देखो, कॉल द ऑप्शन टू बाय एन एसेट, पुट ऑप्शन ऑप्शन टू सेल एन एसेट, आप सेल कर सकते हो, ठीक है. अभी पहले इतने को समझते हैं. तो इसके साथ क्या होता है, आपको कॉल, अगर समझो आपने 3 महीने के बाद कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, मतलब आप कॉल प्रीमियम सेबी को पे करते हैं. अगर सेल करने का आपका विचार है 3 महीने के बाद, 3 महीने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर में हम करते हैं ये काम, ये आज के दिन के लिए नहीं है कॉल और पुट. 3 महीने का मतलब है कि 3 महीने के बाद जब एसेट का प्राइस, हमें लगता है एसेट का प्राइस गिर जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 महीने के बाद मैं कॉल करूंगा. कॉल मतलब खरीदूंगा, क्योंकि सस्ते में खरीदते हैं ना हम, जनरली सस्ते में खरीदते हैं. सो इस वजह से फ्यूचर में हमने खरीदना होता है, लेकिन फ्यूचर में आपने सोचा था प्राइस सस्ता हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो महंगा हो गया तो आप नहीं खरीदते हो. लेकिन आप नहीं खरीदते हो, सेबी क्या करती है, आपका जो कॉल का प्रीमियम है ना, अगर आपने पुट वाला ऑप्शन चूज किया तो पुट का प्रीमियम वो आपका ऑक्यूपाई कर लेती है, आपको देती नहीं है, तो प्रीमियम उसने ले लिया. तो इट मींस चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, पैसे तो ले ही लिए. प्रीमियम मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया उसने प्रीमियम ले लिया, तो 1 रुपया आपका गया उस टाइम पर. तो लोग शेयर मार्केट में लाखों में बात होती है, तो लाखों में आप समझ सकते हैं आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है. सो इस वजह से राइट तो है आपका कि आप खरीद सकते हो, लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है. ये मतलब होता है ऑप्शन का. आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब आप नहीं खरीदते या नहीं बेचते तो भी चलेगा, बस आपका प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा. इसे कहते हैं ऑप्शन और उसके टाइप्स. अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस मतलब
रियलिटी में मतलब समझो 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो द प्राइस एट विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड उसे बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, चाहे आज ले रहे हो चाहे जब मर्जी ले रहे हो, मतलब जिस प्राइस पर आप कुछ खरीदते या बेचते हो उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। याद रख लो इसको। उसके बाद अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? जिस पर्टिकुलर एसेट पर आपने खरीदा या बेचना है, जिस पर्टिकुलर एसेट को, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में पैसा लगा रही हूँ तो मेरी अंडरलाइंग एसेट गोल्ड। मैं MRF टायर्स पर पैसा लगा रही हूँ, मेरी अंडरलाइंग एसेट MRF टायर्स। मैं कोल पे पैसा लगा रही हूँ, मेरी अंडरलाइंग एसेट कोल। सो ये हमारा क्या होता है? अंडरलाइन एसेट मतलब जिस पर्टिकुलर शेयर को हम खरीद या सेल कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एसेट इज कॉल्ड अंडरलाइन एसेट इन केस ऑफ आर इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब ऑप्शंस के मैंने आपको टाइप्स अभी सिखाए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, एक यूरोपियन एक अमेरिकन। अब ध्यान से समझना इसको। जब हम मैच्योरिटी डेट का वेट करते हैं अपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, कॉल बोले तो बाय, पुट बोले तो सेल। मैच्योरिटी डेट मतलब जैसे मैंने बोला 3 महीने, मतलब प्रॉपर 3 महीने का वेट करते हो ड्यू डेट का, तब आप अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करते हो मतलब अगर कॉल वाला लिया तो खरीद लेते हो, अगर पुट वाला लिया तो बेच लेते हो। यूरोपियन ऑप्शन उसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप, लेट्स सपोज मैच्योरिटी डेट 3 महीने है, आपने दूसरे महीने ही खरीद लिया या बेच दिया, उसे बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन। मतलब मैच्योरिटी के पहले अपने कॉल या पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करने को अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं, और मैच्योरिटी का वेट करने को हम प्रॉपर मैच्योरिटी का वेट करके जब आप कॉल या पुट ऑप्शन लेते हो उसे बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। ये दो तरीके के होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पॉसिबिलिटीज इसके अंदर होती है 3। अगर आपको कॉल या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके बेनिफिट हो रहा है उसे कहते हैं इन द मनी, मतलब एडवांटेजियस सिचुएशन है। अगर आपको कॉल या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके नुकसान हो रहा है उसे बोलते हैं आउट द मनी, और अगर ना आपको नुकसान हुआ ना आपको फायदा हुआ, न्यूट्रल सिचुएशन है, उसे बोलते हैं एट द मनी। अंदर आ रहा है पैसा, बेनिफिट हो रहा है, इन द मनी। बाहर जा रहा है, आउट द मनी। एट द मनी मतलब न्यूट्रल सिचुएशन। अब अभी मैंने आपको समझा दिया है कि हमें जो प्रीमियम होता है वो पहले ही एडवांस में पे करना होता है, चाहे आप कॉल या पुट का ऑप्शन एक्सरसाइज करो या ना करो। मैंने आपको पहले समझा दिया है, से भी आपसे प्रीमियम एडवांस में ही ले लेता है। दो तरीके के होते हैं, कॉल और एक पुट प्रीमियम, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। खरीदने वाला लेते हो तो कॉल प्रीमियम दोगे, बेचने वाला लेते हो तो पुट प्रीमियम लोगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर समझाऊंगी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।